नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं UTL के सिग्मा प्लस इन्वर्टर के बारे में। अगर आप इस इन्वर्टर को लेते हैं तो मुझे लगता है कि अब तक का ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर जो आए होंगे, इतना अधिक इस इन्वर्टर में वारंटी है, मतलब कि अगर खराब होता है 5 साल कंपनी दे रही है। मैं इसको लाया था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पे UTL हमेशा कुछ बड़ा ही करता है। दोस्तों इसकी जो UTL का आपको पता है कि एक सिग्मा था दोस्तों, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी काफ़ी बढ़िया थी। और दोस्तों ये जो है मतलब कि अल्फा करके था दोस्तों, उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी। और दोस्तों वो बहुत ज़्यादा चला और आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्वर्टर के दुनिया में बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों यहाँ पे सिग्मा प्लस दोस्तों की 5 साल इस पर कंपनी वारंटी करती है। इतना हैवी उसके अंदर ट्रांसफार्मर, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया था। दोस्तों मैं उस इन्वर्टर को 54,000 रुपया मतलब 54 इतने का मैं लाया और उसको मैंने 2-3 दिन इस्तेमाल किया, कुछ वीडियो बनाए, फिर मैंने उसको वापस कर दिया। दोस्तों इस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत एक ही था कि फ्रेंड वो इन्वर्टर मतलब कि टाइम के पहले हमारा बैटरी लो लीक देता था। मैंने सेटिंग में जाके सब कुछ सही किया, डिस्प्ले पे सारा चीज़ पैरामीटर सेट किया, सेट करने के बाद भी वो पहले ही लीक देता। सो मैंने दूसरे बैटरी बैंक पे लगाया तो वो दिक्कत उसमें भी आने चालू किया। जिस डीलर को मैंने वापस किया उसने उस इन्वर्टर किसी और को बेचा, उसके पास ये दिक्कत नहीं आई। दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप UTL के प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं तो आप UTL का जो सिग्मा प्लस इन्वर्टर है आप इसको ले सकते हैं। 4 बैटरी इसमें आपका लगेगा और दोस्तों इसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि आप इसको एक हैवी लोड, एक हैवी पैनल सपोर्ट, आपका बैटरी बैंक ज़्यादा लगेगा, मतलब कि हर तरीके से ये आपको एक अच्छा अपडेट, एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो जो सिग्मा प्लस इन्वर्टर है फ्रेंड, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्वालिटी थोड़ा सी अपने यहाँ पे अलग है। 5 साल की वारंटी, 5 साल बहुत होते हैं। अगर फिर 5 साल चल गया तो सो यकीन मानो 5 साल में पैसा तो सूल ही कर देगा। और दोस्तों मैं जो है अभी इनमें से 2 इन्वर्टर हैं, मैं इस सिग्मा प्लस इन्वर्टर को फिर से लाने वाला हूँ, और भी इन्वर्टर मैं लाऊँगा टेस्टिंग के लिए, देखूँगा क्या उसका रिजल्ट है, क्योंकि लोगों को डिमांड है। तो अभी थोड़ा समय लगे, थोड़ा पैसे में बस कम पड़ रहे हैं, तो पैसे भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ दोस्तों। पैसे हो जाएंगे तो मैं उसको जरूर लाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 KVA में अगर आपको ज़्यादा वारंटी गारंटी चाहिए तो आप सिग्मा प्लस ले लीजिएगा। और भी ब्रांड मार्केट में वैसे 2 साल के लिए सब देते हैं, ये 5 साल दे रहे हैं, तो 5 साल आपको कस्टमर अच्छे सपोर्ट टीम जो मिलेगा आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो बना के देगा। बाकी मेरा जो सेटअप दोस्तों, इसमें 2 साल की वारंटी लुमिनस वाले मिली है, इसमें 5 साल की नहीं है। 2 साल के बाद अगर ये खराब होगा तो कंपनी काफ़ी पैसा लेगी PCB अपना चेंज करने का, अपडेट करने का, तो ये सिस्टम है। तो दोस्तों आपने पास एक इन्वर्टर कभी मत रखना, हमेशा 2 इन्वर्टर रखना, मेरा एक खुद का सलाह है। अगर आपका एक इन्वर्टर खराब हुआ दोस्तों, आपका 4 बैटरी सेटअप किसी और सिस्टम पे चलेगा नहीं। अगर आपका 4 बैटरी का सेटअप है, आपके घर में लोड ज़्यादा है, तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर संभाल नहीं पाएगा। तो हमेशा 2 इन्वर्टर रखना दोस्तों, एक इन्वर्टर खराब हो दूसरा पर काम करेगा, इसलिए मैंने 2 इन्वर्टर को सेटअप किया है। तो आप जरूर UTL का सिग्मा प्लस आप ऑर्डर कर सकते हैं, सस्ता आपको पड़ेगा, डीलर से लेना, ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली है। तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, और मैंने खोल के दिखाया था, इसके अंदर पार्ट भी काफ़ी बढ़िया लगाए गए हैं, एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर बैंडिंग है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।